विजय जाट। विजय जी, क्या घटना हुई है यहाँ पे अभी? ये घटना, ये ब्रिज पे से ये जो मशीन है, ये ट्रेन मशीन, ये बहुत फास्ट आ रही थी तो बस वाले के आगे जरा सा थोड़ी धीमी चल रही थी, बीच में मोटरसाइकिल वाले चल रहे थे, ये इनको चढ़ाते हुए बस को भी धक्का लगाते हुए यहाँ आके इन्होंने ब्रेक मारा तो चलते हुए मोटरसाइकिल वाले उनको। कितने लोग थे बाइक पे? बाइक पे से डबल डबल थे दोनों, दो बाइक पे, चार जने स्पॉट हो गए। आसपास एक रिक्शे वाला था, रिक्शे वाले में सवारी थी, वो एक घायल हुआ कुछ, एक बच्चा भी, हाँ एक बच्चा भी इसमें हुआ। ये घटना कहाँ की, जगह का नाम क्या है? ये भगत सिंह नगर बाणगंगा मेन रोड इंदौर। चालक जो था फरार हो गया अभी? चालक फरार हो गया, तो नशे में था ये, इसकी जानकारी नहीं है अभी। चालक फरार, बता दीजिए सर आप। विजय जाट। सर बताएं क्या था? जानकारी यही लगी है कि क्रेन ब्रिज से नीचे उतर के आ रही थी और मोटरसाइकिल सामने सामान्य स्थिति में जैसे चलती वैसी चल रही थी। क्रेन से दो मोटरसाइकिल जो थी वो क्रेन के नीचे आ गई, उसमें चार लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और एक महिला घायल है, और तत्काल उनको जो मृतक थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, उनकी डेड बॉडीज को, और जो घायल है उसको भी हॉस्पिटल अरविंदो हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। उसका चूंकि सड़क पे बीचों बीच मामला था तो किसी प्रकार से क्रेन को साइड में लेके अभी मोटरसाइकिलों को बाहर निकाला है। अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि किसकी गलती थी, क्या हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के कुछ के नाम हमारे पास में हैं, अब उनसे पूछताछ करके फिर उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है ये, आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे को गाड़ी खड़ी सामने, अभी हमने चलवाई तब तो समझ में नहीं आया हमारे को कि ब्रेक फेल है, जो गाड़ी थोड़ी चल के इस साइड लेकर आए हैं चला के लाए, तो अब मैं ये नहीं बता सकता कि गाड़ी फेल है कि नहीं। जब तक मैकेनिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा जब तक ये भी नहीं कहा जा सकता कि ब्रेक फेल थे या टेक्निकली प्रॉब्लम क्या थी। नहीं, ओवरटेक तो ये तो क्रेन तो ओवरटेक कर नहीं सकती, हो सकता है बस वाले की गलती हो या कार वाले की गलती हो या किसी अन्य मोटरसाइकिल वाले की गलती हो, ऐसा भी कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, चालक जो है उसको हमने अभी अरेस्ट कर लिया, मतलब हमारी अभी रक्षा में है वो।